आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सोमवार शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद यूपी का एग्जिट पोल आने आरम्भ हो गए हैं। मतदान से पहले हुए ओपिनियन पोल के अनुमान यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा है तो सपा की साइड अखिलेश यादव चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता 10 मार्च 2022 को चलेगा। सीएनएन न्यूज 18 के सर्वे में भाजपा 240, समाजवादी पार्टी 140, बीएसपी 17 के अलावा अन्य को 6 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में पंजाब में आपको पूर्ण बहुमत, एबीपी सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के आसार जताए गए हैं। सर्वे के अनुसार पंजाब में कांग्रेस के साथ से सत्ता फिसल सकती है और आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। आज तक के साथ साथ एबीपी न्यूज के सर्वे में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आपको 51 से 61 सीटों पर जीत की संभावना है। अकाली दल 20 से 26 सीटें जीत सकती है। बीजेपी 7 से 13 सीटें जीत सकती है। पंजाब विधानसभा 2022 के लिए इंडिया टुडे एक्सिस माई के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। आपको 76 से 90 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 19 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अकाली को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ वीटो एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी। वहीं एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। इसके अनुसार बीजेपी को राज्य में 37 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 31 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको एक सीट मिल सकती है। एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी को 26 से 32 सीटें जीत सकती हैं। आप 0 से 2 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य को 3-7 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक चुनाव आयोग के सामने शिकायतों की भरमार लगा दी है। इसी क्रम में सपा ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, जिसमें स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए स्ट्रांग रूम के आगे व पीछे सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो ने अपने नेटवर्क के विस्तार के तहत चौथे चरण में आने वाली सिल्वर लाइन सहित 52 नई ट्रेनों का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है, जो पूरी तरह से अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन यूटीओ के अनुरूप होंगी। अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन का मतलब है कि ट्रेनों का संचालन चालकों के बिना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक 39 ट्रेनें मौजूदा पिंक लाइन मजलिस पार्क शिव विहार और मैजेंटा लाइन बॉटेनिकल गार्डन जनकपुरी पश्चिम के लिए होंगी, जबकि शेष ट्रेनें सिल्वर लाइन अथवा लाइन 10 के लिए होंगी। लाइन 10 का निर्माण एयरो सिटी और तुगलकाबाद के बीच किया जा रहा है। डीएमआरसी के अधिकारी ने कहा, इसके लिए निविदाएं बहुत पहले मंगाई गई थी और यह प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक निविदा नहीं दी गई है। साथ ही खरीदी जाने वाली ये सभी 52 ट्रेनें यूटीओ मोड ट्रेनें होंगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन लाइन 8 पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस प्रकार की ट्रेनों के संचालन का उद्घाटन किया था। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। ट्विटर पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या नहीं बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने इसके लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या बाहरी प्रभाव से रुक गई थी। एक ट्वीट में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अब यह 2 करोड़ तक पहुंच गई है। दरअसल पिछले साल अगस्त 2021 में दिल्ली में हुए रेप केस मामले को लेकर राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के परिवार वालों की संग अपनी एक फोटो ट्विटर पर शेयर कर दी थी। इसको लेकर भाजपा की तरफ से पहचान उजागर करने को लेकर खूब हंगामा किया गया था। इसके बाद ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी का अकाउंट 8 दिनों के लिए लॉक कर दिया था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में खाप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे चुप रहने के लिए राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया है।
पद कुछ भी नहीं होते हैं। मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया है और वो मुझे बेटा कहकर बुलाते थे। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप सड़कों पर बैठना और धरना देना छोड़ दीजिए। अपनी सरकार बनाइए, सरकार को बदल दीजिए, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब एक कुत्ता मारता है तो दिल्ली से एक पत्र शोक संदेश जारी हो जाता है। हमारे 700 किसान मर गए लेकिन उनके लिए एक भी शोक संदेश नहीं भेजा गया। प्रधानमंत्री आंदोलन स्थल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं लेकिन उन्होंने समस्या का हल नहीं ढूंढना चाहा। जब मैं पूरी घटना से गुस्सा हो गया तब मैंने राज्यपाल पद छोड़ने का फैसला किया और आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सोचा। मैं केंद्र सरकार के एक मंत्री के पास ये बताने के लिए गया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गलती मत करो, किसानों के लिए बोलो, उनके लिए लड़ो, धरने पर बैठे, लेकिन इस्तीफा तभी देना जब इसके लिए कहा जाए। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री साहब के पास मिलने के लिए गया। मैं यह नहीं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उत्तर दिया लेकिन यह बहुत दर्दनाक था और मैंने फैसला किया कि मैं अंत तक बोलूंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सुझाव दिया कि अगर आप चुप रहेंगे तो आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे पदों को लात मारता हूँ। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है, आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। देश में प्रतिबंध लगने के बाद से पूरे देश में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर ई सिगरेट का प्रचार हो रहा है और युवा इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स ENDS और हीटेड टोबैको उत्पादों HTN का प्रयोग कर रहे हैं। फरवरी 2022 में किए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि 26% लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी रूप में इन उत्पादों की मार्केटिंग देखी है। इनमें से करीब 60% ने इंस्टाग्राम विज्ञापन देखा, इसके जिनके बाद व्हाट्सएप पर 22.6%, फेसबुक पर 17.3%, टिकटॉक पर 14.3% और ट्विटर पर 6.8% का स्थान है। ये उत्पाद नुकसान कम हार्म रिडक्शन उत्पादों के रूप में विशेषकर युवाओं के बीच सोशल मीडिया और वेब पोर्टलों के जरिए बेचे और प्रचारित किए जा रहे हैं। यह सर्वेक्षण कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स ने चेयर ऑन कंज्यू मर लॉ एंड प्रैक्टिस नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी ने किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत में सितंबर 2019 में ई सिगरेट, हीटेड तंबाकू उत्पाद HTN और अन्य इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स ENDS पर पाबंदी लगने के बाद से इनके प्रयोग, सुलभता और मार्केटिंग का आकलन करना था। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी के चलते गुरेज घाटी में फंसे 230 यात्रियों को भारतीय सेना ने एयरलिफ्ट कर लिया है। आर्मी ने स्थानीय टीम की मदद से घंटों के अभियान के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। घाटी में फंसे लोगों में JKSSB के 84 प्रतियोगी, 103 सीनियर सिटीजन, 13 बच्चे भी थे। इस अभियान में MI-17 और आर्यन प्राइवेट हेलीकॉप्टर को लगाया गया। 17 उड़ानों में सभी 230 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया। ये लोग बर्फ गिरने के बाद रास्ते बंद होने से गुरेज घाटी के अलग अलग इलाकों में फंसे थे। 114 लोग गुरेज घाटी के डावर, कंजलवा, नीरू और बदुआब इलाकों में थे, इन्हें एयरलिफ्ट कर बांदीपोरा पहुंचाया गया। वहीं 103 सीनियर सिटीजन और 13 बच्चों को दूसरे इलाकों से एयरलिफ्ट किया गया। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 7 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 8 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।